नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। और आज सोने और चांदी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी अखिलेश जी, अनुज जी, गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं कि जो चमकान है लगातार बढ़ती ही जा रही है शानदार तेजी के साथ। गोल्ड सिल्वर तेजी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं गोल्ड एक बार फिर से $2,000 के पार है और चांदी भी $26 पर। इसी तरह से M6 गोल्ड सिल्वर में भी हमने तेजी आते हुए देखी है। अनुज जी, ये जो तेजी आ रही है आपको क्या लगता है, क्या सोना एक बार फिर से अपने रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ सकता है 56,200 का जो सोने ने 2020 में लगाया था? क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं और जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, हमें लगता है कि गोल्ड अब अपना हाई भी ब्रेक कर सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में जो तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है और ऊपर में हमें लगता है कि $2,150 से लेकर $2,200 तक के लेवल जल्दी देखे जा सकते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में 55,000 से लेकर 56,000 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉजिटिव है, उसका असर हमें लगता है कि यहाँ भावों में देखने को मिल सकता है। जी, इसी के साथ अनुज जी बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम $130 के पार कीमतें पहले ही देख चुके हैं, आज भी देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेडिंग होती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो कहां तक जा सकती हैं? और ये जो नाटो देश हैं ये भी अब रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने की विचार कर रहे हैं, तो ऐसे में कच्चा तेल की कीमत कहां तक जाएगी और उसका असर भारत के ऊपर कितना पड़ेगा? देखिए, क्रूड के भावों में भी तेजी यहाँ है। हमें लगता है कि क्रूड के भाव और ऊपर जा सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई है, रशिया पे सैंक्शन लगे हैं और क्रूड की सप्लाई यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी वजह से हमें लगता है कि क्रूड के भावों में ऊपर अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $135 से लेकर $140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि ऊपर में 10,000 तक के भी लेवल यहाँ पॉसिबल है जो कि आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है हमें लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और एक्सपेक्टेशन है कि भावों में कंटिन्यूस यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। जी, इसी के साथ अनुज जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि शानदार तेजी के साथ ट्रेड होता नजर आ रहा है। निकल सबसे अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। अनुज जी, हमने दो तीन दिनों के दौरान देखा है कि निकल ने 2 गुने से भी ज्यादा का उछाल लगा दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो निकल इस समय MCX पर 4600 के ऊपर है, तो क्या अब नए हाइज भी लगाता नजर आ सकता है? और सिर्फ निकल ही क्यों इतना तेज ट्रेड करता नजर आ रहा है? देखिए, निकल में जो तेजी है उसके पीछे फंडामेंटल रीजन ये है कि निकल जो है रशिया जो है इसका थर्ड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और साथ में जो निकल की इन्वेंट्री है वो करीबन 70% LME में गिरती हुई दिखाई दी है। क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से जो माइनिंग कॉस्ट है वो यहाँ बढ़ी है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो काफी डिस्टर्ब हुई है। उसकी वजह से हमने देखा है कि और EVs की डिमांड बढ़ने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कहीं ना कहीं जो तेजी का यहाँ पे ट्रेंड बना है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हालांकि LME पर हमने देखा है कि अभी डिक्ले कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया गया है, तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल भाव कुछ एक बार नीचे करेक्शन ले सकते हैं। मगर जो फंडामेंटल बना है वो पॉजिटिव है। हमें लगता है कि अगर यहाँ पे टिप आता है कहीं ना कहीं 2500 या 3000 के आसपास, तो वहाँ पे दोबारा खरीदारी कर सकते हैं, मगर फिलहाल अभी भावों में नरमी जो है तेजी का रुख बना हुआ है। जी अनुज जी, खबरें ये भी निकल के सामने आई है कि LME पर निकल की जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड कर दी गई है। आपको क्या लगता है ये जो सस्पेंड किया गया है निकल की ट्रेडिंग को LME पर, ये कितने समय के लिए किया गया है और क्या इसका असर MCX पर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि हम MCX पर भी देख रहे हैं निकल की कीमतें लगातार तेजी की ओर है, तो क्या MCX निकल वायदा को भी बैन किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है? देखिए, अभी तक MCX से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है और अभी तक जो LME के जहां तक सवाल है वहां पर भी अभी कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं है, मगर उन्होंने ये कहा है कि वो जब भाव स्थिर हो जाएंगे फिर उसके बाद वो दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इसको बैन किया गया है, बट हमें लगता है कि आगे ये दोबारा से ओपन होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल हमें लगता है कि अभी इस बैन की वजह से भावों में कुछ गिरावट यहाँ देखने को मिल जी है। जी, इसी के साथ अनुज जी बात करें यहाँ से अगर हम नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में हमने आज करेक्शन आते हुए देखी है 3% की इंटरनेशनल मार्केट में। आपको क्या लगता है सभी नॉन एग्री में तेजी, सिर्फ नेचुरल गैस में ही मंदी, ऐसा क्यों?
देखिए, नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज जो है वो काफी बड़ी है, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ देखें तो हमने ऑलरेडी काफी भावों में तेजी देखी थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पर आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड बना है ये थोड़ा सा एक रेंज बाउंड का रहेगा, यहाँ पे हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है। भाव नीचे अगर 355 350 के आसपास मिलते हैं तो आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 370 380 तक के लेवल दोबारा देखे जा सकते हैं। फिलहाल अभी जो मार्केट है वो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करें, भाव अगर थोड़ा सा डिप लेते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जी अनुज जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, हमें लगता है कि नॉन एग्री के अंदर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। गोल्ड पर्टिकुलर हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 54,000 से लेकर 54,500 तक के लेवल और इंटरनेशनल मार्केट में 2020 से लेकर 2030 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं हमें लगता है कि बेस मेटल में कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं करीबन 840 के आसपास। ऊपर में टारगेट 855 860 तक के लेवल को दिखा सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे अभी नॉन एग्री कम्युनिटीज की।